फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी मूर्ति बनाना नहीं आता हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस बताने वाला हूँ गणपति मूर्ति बनाने का। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से आप घर पे मूर्तियाँ बना सकते हो। स्पेशली बच्चे लोग अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए इस मूर्ति को बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मिट्टी का एक बेस बनाएंगे और इसी के ऊपर गणपति मूर्ति को बैठाएंगे। तो इसके हमने गेंद जैसा एक गोल शेप बना लिया है मिट्टी का, और उसी को इस टाइप से चपटा कर दिया है। चपटा करने के बाद इसको हम ग्लास की हेल्प से कट कर लेंगे, और दबाने के बाद, ग्लास को दबाने के बाद साइड साइड से जो एक्स्ट्रा मिट्टी है इसको हम हटा लेंगे। देखिए, और बहुत ही सुंदर ये गोल शेप बनकर निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, इसको हम क्लीन भी कर लेंगे साइड साइड से, जो एक्स्ट्रा मिट्टी निकला हुआ है इसको ब्रश से हमने क्लीन किया है। अब हम इसी के ऊपर गणपति का मूर्ति बनाएंगे बैठा हुआ। तो सबसे पहले उनका हम पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए देखिए लंबा सा एक क्वाइल बना लिया है, और एक ही क्वाइल की हेल्प से हम दोनों पैर को बना लेंगे। देखिए कितना इजी प्रोसेस है पैर बनाने का, मैंने एकदम ही आसान तरीका बताया है इस मूर्ति को बनाने का, बहुत ही इजी प्रोसेस। तो देखिए ये पैर बनकर रेडी है। इसके बाद हम इनके धोती को बनाएंगे। तो देखिए हमने पतला लेयर बना लिया है मिट्टी का, और इसी को बस इसी टाइप से, बहुत ही सिंपल है, इस टाइप से चिपका देना है, और इसे क्लीन भी कर लेंगे, उंगली में पानी लगाकर क्लीन करते जाएंगे। और सेम इसी टाइप से दूसरे पैर पे भी हम धोती को बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना हो कि मैं मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और देखिए मैंने दोनों पैर पे धोती बना दिया है। इसके बाद इसको भी हम उंगली में पानी लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद हम धोती का फोल्ड बनाएंगे। तो धोती का फोल्ड बनाने के लिए हमने देखिए इस टाइप का टूल्स का यूज किया है। अगर आपके पास ये टूल्स ना हो तो आप मोटे वाले सुई का भी यूज कर सकते हो। वैसे मैं टूल्स बनाने का लिंक भी डाल दूंगा, मैंने होममेड, अगर टूल्स बनाना सीखना हो आपको तो आप देख सकते हो वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और देखिए दोनों साइड से फोल्ड बनाने के बाद इसे हमने ब्रश से क्लीन कर दिया है अच्छे से। और पैर की उंगलियां बनाने के लिए भी हमने देखिए सुई से बस लंबा लंबा लकीर खींचा है दोनों पैर पे, और बहुत ही आसान तरीके से देखिए पैर की उंगलियां बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, अब हम इनके पेट को बनाएंगे। तो पेट को बनाने के लिए हमने मिट्टी का एक गेंद जैसा देखिए बना लिया है गोल शेप, और उसी को बीच में देखिए बहुत ही ईजी तरीके से बैठा दिया है। कितना आसानी से देखिए हमने इनके पेट को बना लिया है। पीछे के साइड से इसको मिला देंगे इस टाइप से देखिए, और इसे भी क्लीन कर लेंगे पानी से। अब आगे की साइड हम उनके चेस्ट को बनाएंगे। तो चेस्ट को बनाने के लिए भी देखिए ऊपर की साइड ने हमने ये मिट्टी को ऐड किया है कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद नाभि बना लेंगे हम यहाँ पे। और अब हम इनके हाथ को बनाएंगे। तो हाथ को बनाने के लिए हमने देखिए क्वाइल बना लिया है, दो एक ही साइज का दो क्वाइल हमने बनाया है, और इसको कुछ इस प्रकार से हम चेस्ट में चिपका देंगे। और अच्छे से चिपकाने के बाद इसको जिस शेप में हाथ को रखना है, जिस पोजिशन में, उस टाइप से मोड़ लेंगे। तो एक हाथ में हम लड्डू पकड़ाएंगे और दूसरे हाथ से आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। अब हम चेस्ट का डिटेलिंग करेंगे। तो चेस्ट का जो मिट्टी है उसे मैंने पेट की मिट्टी से देखिए इस टाइप से मिला दिया है टूल्स की हेल्प से, आप उंगली से भी मिला सकते हो। बीच में हमने देखिए प्रेस किया है और दबा दिया है चेस्ट के बीच में, और इसके बाद इस टाइप से मिलाकर और चेस्ट पे हम कुछ और मिट्टी ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से। और मिट्टी ऐड करने के बाद इन सबको पानी से हम क्लीन कर लेंगे उंगली में पानी लगाकर कुछ इस प्रकार से। अब हम हाथ की उंगलियां को बनाएंगे। तो उंगलियां बनाना भी बहुत ही ईजी है, देखिए बस सुई से लंबा लंबा लकीर खींचना है, और ये चार उंगलियां बनने के बाद एक साइड से अंगूठा भी हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, और यह हाथ की उंगलियां बनकर रेडी है। वैसे आप पतले पतले क्वाइल की हेल्प से भी उंगलियां बना सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। और दूसरे हाथ की उंगलियां भी हम इसी टाइप से लकीर खींचकर बना लेंगे, और दोनों हाथ की उंगलियां बनकर रेडी है। मिट्टी के पतले क्वाइल की हेल्प से हम इनके ज्वेलरी को बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे बाजू बंद बनाया है पतले क्वाइल की हेल्प से, इसी टाइप से हम हाथ के कंगन को भी बना लेंगे, और इस पर हम सुई की हेल्प से डिटेलिंग भी कर लेंगे। आपसे अगर नहीं होता है तो आप प्लेन भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद छोटा सा एक लड्डू बनाकर इनके हाथ में हम पकड़ा देंगे कुछ इस प्रकार से, इस पर भी हमने डॉट डॉट बना दिया है टूल्स की हेल्प से। दूसरे हाथ के ज्वेलरी को भी हम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। फ्रेंड्स, मूर्ति के फेस को छोड़कर बॉडी के पूरे पार्ट को हमने बना लिया है। अब हम इनके फेस को बनाएंगे। तो फेस को बनाने के लिए भी हमने देखिए गोल शेप में एक गेंद जैसा बना लिया है मिट्टी का, और इसी को यहाँ पे चिपका दिया है। पीछे के साइड से ऐसे से सेट कर लेंगे, नहीं तो यह बाद में गिर भी सकता है। और देखिए इसे क्लीन कर दिया है अच्छे से मिट्टी को मिलाकर बॉडी से। और अब हम इनके कान को बनाएंगे। तो कान को बनाने के लिए भी हमने दो छोटा छोटा बॉल बना लिया है मिट्टी का, और इस टाइप से बहुत ही ईजी प्रोसेस में हमने कान बनाना बताया आपको। देखिए इस टाइप से दोनों साइड से चिपका देना है, और उसके बाद इस पर आप डिटेलिंग भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हमने देखें
दोनों को सेट करने के बाद क्लीन कर दिया है अच्छे से पानी लाकर। उसके बाद सुई की हेल्प से इस पे हमने लकीर खींचा इस टाइप से। आप प्लेन भी छोड़ सकते हो। और ये करने के बाद इसको भी हम ब्रश से क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इनके सूंड को बनाएंगे। तो देखिए हमने मिट्टी का पतला कॉइल बना लिया है, ऊपर के साइड मोटा और नीचे के साइड पतला, और इस टाइप से बीच में रखकर इसको मिला देंगे और इसे क्लीन भी कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और इसको सूंड को हम इस टाइप से मोड़ लेंगे, आपको जिस शेप में रखना उस टाइप से मोड़ ले। इसके बाद यहाँ पे हमने दो होल कर दिया है नाक के पास, और यहाँ पे हमने देखिए उंगली की हेल्प से दोनों साइड से इस टाइप से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। और अब हम इनके आइज को बना लेंगे। तो आइज को बनाने के लिए भी देखिए हमने दोनों साइड से हल्का हल्का मिट्टी ऐड किया है, और इसी पे हम सुई की हेल्प से देखिए इस टाइप से डिटेलिंग करेंगे। दोनों साइड से इसी टाइप से लकीर खींचना है देखिए। और उसके बाद हम पेन की रिफिल लेंगे, और पेन की रिफिल से बहुत इजी तरीके से आईबॉल बना लेंगे। और देखिए कितने इजी तरीके से हमने इनके आइज को बना लिया है, और ये सुंदर भी लग रहा है। सूट के ऊपर भी हमने लकीर खींचकर और इसे ब्रश से क्लीन कर देंगे पानी लाकर। सुई की हेल्प से हम इनके माथे पे तिलक बना लेंगे, त्रिशूल जैसा, जैसा हम फिगर में देखते हैं फोटो में, सेम उसी टाइप से हमने यहाँ पे बनाया है। और इसके बाद हम इनके दांत को बना लेंगे कुछ इस प्रकार से दोनों साइड से। दोनों दांत को लगाने के बाद लास्ट में हम इनके पगड़ी को बना लेंगे। तो पगड़ी भी बनाना बहुत ही ईजी है, देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे बनाया है। पहले एक साइड से मिट्टी को लगा देंगे इस टाइप से क्वाइल को, और ऊपर से दो लकीर हमने बना दिया है, इसको क्लीन कर दिया है पानी से। इसके बाद दूसरे साइड भी सेम इसी टाइप से मिट्टी लगाकर इसके ऊपर से, और इसे भी क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद इस पे भी हम लंबा लंबा तीन लकीर खींच लेंगे देखिए कुछ इस प्रकार से टूल्स की हेल्प से। और इसके बाद ऊपर के साइड का पगड़ी के ऊपर का भाग हम बनाएंगे। तो पगड़ी के ऊपर का भाग बनाने के लिए हमने देखिए पीछे से मिट्टी को ऐड किया है, और इस पे भी सुई की हेल्प से हम डिटेलिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने कितना सुंदर पगड़ी बना लिया है। इसके बाद गले का हार छूट गया था, तो अब हम गले का हार बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मिट्टी का पतला क्वाइल लिया है, और इसी की हेल्प से हम इस टाइप से चिपका देंगे क्वाइल को। गले में क्वाइल को चिपकाने के बाद इसके बाद हम पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से इस पे कुछ डिटेलिंग कर लेंगे, कुछ डिजाइन बना देंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स, मैंने इस मूर्ति के अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन में गणेश जी का मूर्ति बनाना सिखाया है इस चैनल पे। अगर आपको वो सारी वीडियो देखना हो तो आप इस चैनल के गणपति डेकोरेशन आइडियाज वाले प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी मूर्तियों का वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स, नीचे जो हमने गोल शेप में बेस बनाया है जिस पर मूर्ति को बैठा है, उस पर हमने सुई और पेन के रिफिल से कुछ डिटेलिंग कर लिया है, कुछ डिजाइन बना दिया है कुछ इस प्रकार से। आप प्लेन भी छोड़ सकते हो। इसी के साथ यह गणेश जी का मूर्ति भी बनकर रेडी है। अब मैं आपको इनके मूसक को बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारे गणेश जी का मूर्ति बनाया है, पर उसमें आपको मूसक बनाना नहीं सिखाया है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि प्लीज आप मूसक बनाना सिखाइए, तो इस वीडियो में मैंने मूसक बनाना भी सिखाया है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप मूसक बना सकते हो। और देखिए कुछ इस टाइप से हमने इसके कान को भी बना लिया है, और इसके मुंह को भी बना दिया। इसके बाद नोज के लिए दो होल कर दिया यहाँ पे। आइज को हमने पेन की रिफिल से दोनों साइड से बहुत इजी तरीके से देखिए आइज को बना लिया है। और इसके बाद अब हम इनके पैर को बनाएंगे। बॉडी को तो हमने पहले ही बना लिया था, इसके पैर को बना लेंगे। दोनों साइड से इसी टाइप से लगा देना है। इसके बाद हम मूसक के हाथ को बना लेंगे। तो इसके लिए भी हमने पतले क्वाइल की हेल्प से दोनों साइड से हाथ को बना लिया है। और हाथ को लगाने के बाद अब हम इसके पूंछ को बनाएंगे। तो पूंछ के लिए भी हमने लंबा पतला क्वाइल बनाकर इसको पीछे से चिपका दिया है, और यह मूसक बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इजी प्रोसेस में गणेश जी का मूर्ति बनाना सिखाया है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो अगर आप भी ऐसा मूर्ति बनाते हो तो मुझे उसका पिक इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको यह मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।